नमस्कार। आज हमारे साथ अंजनी जी हैं, जिससे फाइनेंस के बारे में बात हो रही है। तो क्या कह रहे थे आप, फिर से कहिए जो कह रहे थे। मामा, कहना ये है कि आज जहां मैं हूँ फिलहाल इक्विटी में तो बहुत अच्छा है मेरा। एफएनओ में आपसे जैसी मेरी बात हुई है कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन ओवरऑल जहां तक आपका सपोर्ट इक्विटी में मिला मेरे को, आज मेरा पोर्टफोलियो का ये कंडीशन है कि 20 शेयरों में गिरी से गिरी हाल में 6 शेयर ऐसे हैं हाँ। जो कि 4 to 5 फोल्ड, क्या बात। मतलब आप हाँ नंबर ऑफ शेयर जरूर कम है, हाँ। लेकिन जो भी मेरा रिटर्न है वो आप देखेंगे तो खुद बोलेंगे कि ये मतलब आउटस्टैंडिंग। मेरे खुद समझ में नहीं आता कि मैं जज कैसे कर लिया। सबसे बड़ी चीज क्या होता है ना, इस पूरे प्रोसेस से हमको विश्वास पैदा होता है कि यस आई कैन डू इट, जी, यस मैं भी एक दिन मिलियनेयर बन सकता हूं। तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि विश्वास उत्पन्न होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हम वहां तक जाते हैं जहां तक जाने का विश्वास करते हैं, जी, ठीक है ना। जब अंगद जी से कहा गया था कि सीता का माता का पता लगाने के लिए आप जाइए समुद्र पार कर जाइए, तो अंगद ने कहा था कि मैं जाने का तो वो है लेकिन आने में संदेह है। उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं था। खैर, उसके पीछे तमाम तर्क वितर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी गए और आ गए विश्वास। तो हम जहां तक विश्वास करते हैं ना, वहां तक जाते हैं। जहां तक अपने आप को देख सकते हैं ना, हम वही वहां तक जाते हैं। हम देखेंगे नहीं तो कहां तक जाएंगे। जो भी जी, ये हमारे बात है। स्टॉक जो भी हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रिटर्न बनता है। वो रिटर्न हमको ये होप दिलाता है, ये विश्वास दिलाता है कि यस हम भी एक दिन मिलियनेयर बिलियनेयर बन सकते हैं। बस जी, उसके लिए धैर्य, अनुशासन और जिस तरीके से मैं स्टॉक को पकड़ के रखा हुआ हूँ, उसको हमको पकड़ के रखना है। बाय राइट सिट टाइट। पैसा जो बनता है ना स्टॉक मार्केट में, ज्यादा करने नहीं, ज्यादा नौ करने से बनता ये बात तो आप बहुत मस्त चीज बोले हैं। अपने भाई साहब को मामा आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पिछले 5 साल से मोटिवेट कर रहा हूँ है। हाँ। लेकिन वो नहीं माने। लास्ट में मैं नहीं अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना चाहता था, हाँ। लेकिन भैया की जो कंडीशन थी, आरडी, एफडी और दुनिया भर के ये ट्रेडिशनल बॉन्ड, ये सब, मैं बोला कि अगर ये उसी चक्कर में रह जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये आज जहाँ है 10 साल बाद भी वहीं रहेंगे और इनको इकोनॉमिकल बेनिफिट कहीं से नहीं। तो सबसे बड़ी चीज लास्ट क्या में होता है मामा, अंजन जी की, तीन चीजें होती हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा मूलभूत चीजें समझ लें, फंडामेंटल चीजें समझ लें। तीन चीजें होती हैं। एक होता है लाभ, दूसरा होता है नुकसान, तीसरा होता है लाभ का नुकसान। ध्यान दीजिएगा, लाभ यानी हमने मान चलता है कहीं 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया और वहां हमको 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, इसका मतलब कि हमको लाभ हो रहा है। हमने कहीं 1 लाख रुपया लगाया, हमको 80 हजार रुपया मिल रहा है, इसका मतलब 20 हजार का नुकसान। जी लेकिन तीसरा एक ऐसा कंडीशन होता है कि हम 1 लाख रुपया लगाते हैं, वहां हमको 2 लाख रुपया मिल सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम क्या करते हैं कि हम वही 1,50,000 रुपये वाला फायदा लेते। तो वो जी जो 50,000 का नुकसान होता है ना, वो होता है लाभ का नुकसान। जो आदमी स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली दूर रहता है, जो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाता है, वो हमेशा लाभ की हानि में रहता है, जी, हमेशा लाभ की हानि में रहता है। वो नहीं जानता है कि वो क्या चीज खो रहा है। स्टॉक मार्केट में आने से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन बड़े प्रॉफिट से वंचित है। मैं एक कहानी बहुत बढ़िया कहता हूँ लोगों को कि एक आदमी का सपना रहा कि क्रूज पर जाए, क्रूज पर जाए। क्रूज का किराया बहुत अधिक होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो किसी तरीके से खेत खलिहान जो भी जमीन जायदाद होता था बेच बाच करके पैसा इकट्ठा किया और क्रूज पर गया। एक हफ्ते का टूर था, जितना सेल्फी वेल्फी फोटो वोटो लेना था सब लिया। जी जब जाने लगा, जब क्रूज का ट्रिप समाप्त हुआ, तो लोगों ने कहा कि अरे भाई साहब आप थे कहाँ, ना तो आप लंच में दिखे, ना तो आप डिनर में दिखे, ना तो पार्टी में दिखे, ना तो जो मनोरंजन के कार्यक्रम हो रहे थे उसमें दिखे, आप किसी में भी नहीं दिखे। आप जी क्रूज पर कहाँ रहते थे? क्या देखो भैया, मेरा सपना था कि मैं क्रूज पर जाऊं, ठीक है ना, किसी तरीके से मैंने पैसे का जुगाड़ किया तो मैं क्रूज पर आया था। खाने पीने की जहां तक बात है तो घर से मैं खाना पीना लेके आया। तो क्रूज वालों ने कहा
कि क्या आपको ये पता नहीं था कि जो आपने किराया पे किया है उसमें आपका पार्टी खाने पीने का सबका खर्चा था? ओह, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो दुनिया में स्टॉक मार्केट भी अंजनी जी एक ऐसी ही जगह है जहां हम भ्रम के कारण, जानकारी के अभाव में हम देखते ही नहीं है। जी, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लाभ ले सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति शुद्ध रूप से पीपीएफ में, एफडी में, जीपीएफ में, एनएससी में, किसान विकास पत्र में पैसा लगाता है, एक बड़े लाभ से वंचित है। क्यों लाभ से वंचित है, अब इसको आप जानिए। होता क्या है कि जो मुद्रा स्फीति होती है ना, महंगाई, वो पर डे हमारे पैसे की वैल्यू को कम करती जाती है। और ये जो महंगाई होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर खाने पीने में मुश्किल से 5-6% होती है, लेकिन यदि आप यही पढ़ाई लिखाई पर चले गए और मेडिकल खर्चे के लिए, तो 15-15-20% की दर से बढ़ रही है। यानी दवा दारू का जो खर्चा है, हर साल 20% बढ़ रहा है। आज 1 लाख है, तो अगले साल 1 लाख 20 हजार, उसका अगले साल 1 लाख 40 हजार, उसका अगले साल 1 लाख 60 हजार। यानी हमारे पैसे को भी 15-20% की दर से बढ़ना चाहिए, लेकिन यदि हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में रहते हैं तो वो कमी पैसा बढ़ नहीं पाता है, हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है। तो स्टॉक मार्केट में हम आ करके वो जो बड़े खर्चे होते हैं, उस खर्चे को मीट आउट करने में हम सक्षम होते हैं। तो बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। जो नहीं लगाता वो गलती करता है। मैं तो पकड़ पकड़ के लोगों को प्लान, मतलब जो हमसे पूछता है उसको मैं बैठा के समझाता हूँ कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए। और लोगों ने, बहुत अच्छे खासे संख्या में लोगों ने स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत अंकल खुशी। मामा, जब मैं बना सकता हूँ तो मैं जान गया हूँ इसके पावर को, हाँ हर कोई बना सकता है। मैं तो आपसे मात्र एक बार ट्रेन में मिला हूँ, हाँ और उसके बाद जो भी हम लोग के बीच में वॉइस कॉलिंग के थ्रू ही हुआ है, लेकिन हाँ 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 आपका जो वो शब्द था ना, वो मेरे कान से आज भी हटता नहीं है। कि क्या था, क्या शब्द मैंने कहा था, आप अक्सर नहीं बोला करते थे कि क्या इंसान और मार्केट को अंततः ऊपर ही ऊपर ही जाना है, जाना और ये चीज कह कह के यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो है। हाँ कि बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन हाँ मैं अभी आपको भैया का एग्जाम्पल जो दे रहा था, मैं हाँ उसमें भैया क्या किए, वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। अभी हाँ बीच में यहाँ वो आए हुए थे पाली में घूमने के हाँ लिए, तो मैं उनको कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ अकाउंट खुलवाया जीरोधा के अपने लिंक से, हाँ और उसके बाद तुरंत उनके पोर्टफोलियो में बोला कि आप कुछ पैसा डालें। हाँ और डालते ही मेरा एक खुद का रिसर्च है, 16 रुपए से ये इंडियन फर्स्ट बैंक, हाँ तो वो तो 16 से 70 उत्तर चला गया था, तब भी मैं नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। हाँ, वो फिर भैया क्या किए, वो घुसे हैं 48 रुपए पे, अभी बीच में जब चल रहा था, हाँ 48 पे घुसे। और मैं उनको मतलब एश्योरेंस दिया इस चीज का कि हाँ आप इसको ले लो, मैं 20% की गारंटी ले रहा हूँ। हाँ क्या है मामा, अब चार्ट समझ में आने लगा है। अब हाँ चार्ट समझ में आता है तो थोड़ा सा डायरेक्शन समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ तक जो है जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या पता मामा क्या कोइंसिडेंस था, 20% 20 दिन के अंदर, अरे अरे इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। आज वो मेरे को फोन कर करके रोज बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसा बता कि मेरे को हर महीने आए। मैं बोला भैया, अब जो है अगर हर महीने वाले हिसाब में आप जाओगे तो आप फंस जाओगे। हाँ मैं बोला सिर्फ मैं आपको मोटिवेट कर रहा था कि आप उतरो, अब आप उतरो, बल्कि 1 साल तक मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी स्टॉक होगा वो मेरा होगा, रिटर्न आपका होगा। अभी मैं एक, जो आपने अभी कहा उसकी एक कहानी बताता हूँ। एक सुल्तानपुर का एक सिपाही था, जी, उसका एलआईसी का पैसा पूरा हो रहा था, कहीं 1 लाख 1.5 लाख रुपये मिल रहा था। तो उसने, एक हमारे जानने वाले थे, उनसे पूछा कि यार 1 लाख रुपये मिल रहा है, इसका हम क्या करें? अच्छा तो उन्होंने कहा, यार वो मैं तो उतना ज्यादा नहीं जानता, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, वो जानते हैं, उनसे कारोबार करा। जी हमसे जी जी पूछा, मैं आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या उससे भी ज्यादा समय हो गया। मैंने अच्छा उसमें अच्छा टीवीएस का जो शेयर था ना, अपाची, हाँ खूब रोड पर दिख रहा था, और टीवीएस का शेयर जी मुझसे 25-30 रुपये था। जी अच्छा मैंने उसे कहा कि टीवीएस का शेयर ले लीजिए। अच्छा उन्होंने डीमेट अकाउंट, उन्होंने पूछा कहाँ डीमेट होता है। मैंने सुल्तानपुर में ऐसे ही गूगल पर सर्च मारे, किसी ब्रोकर का एड्रेस निकाला, फ्रेंचाइजी का एड्रेस निकाला, उनको भेज दिया। वो गए, वहां पर डीमेट अकाउंट खोला,
कई साल हो गए, पैसा डाल के उन्होंने टीवीएस का शेयर ले लिया। उनसे मैंने इतना ही अच्छा कहलवा दिया कि जब तक आपको पैसे की जरूरत ना हो आप देखिएगा मत। जी 5-6 साल बाद उनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अच्छा उनको फोन किया, हमारे जानने वाले वो, कि यार वो हमको पैसा निकालना था, कैसे निकलेगा, आप वही जाइए। उस समय टीवीएस का शेयर 700 रुपये का चल रहा था। उन्होंने उसी समय फोन किया, अरे भैया हम तो लखपति बन गए यार। हमने कभी सोचा भी नहीं था इतना होगा। उन्होंने उस पूरे पैसे को बेचा और सुल्तानपुर शहर में एक बढ़िया जगह पे मकान। अरे क्या बात है, कैन यू बिलीव वेल्थ दिस? से वेल्थ। आप बिलीव कर सकते हैं ऐसा? नहीं, आप है तो है। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपके जो शब्द है ना, मैं पर्टिकुलर जब ग्रुप में रहता हूँ हाँ तो मैं बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें रहती हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर आपका नाम से सर्च करता हूँ बस चीजें कि क्या है वहां पे ना, फंडामेंटल बहुत कुछ मिल जाता है। चलिए तो अब मामा सब। और सुनिए, रिसर्च, अब आप रिसर्च की बात किए तो देखिए 1200% रिटर्न मिल रहा है मेरे को ट्राइडेंट में। अरे वाह क्या बात। 4 रुपए की खरीदी है, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था, इसलिए 200 शेयर ही है मेरे पास। हाँ और अभी बीच में जैसा देखे होंगे आप, 70 रुपए से रिटर्न होके वो 35 आ गया है, तो अभी भी सात सौ हाँ परसेंट रिटर्न दे रहा है। वाह क्या बात है। उसके बाद आपका BLS इंटरनेशनल, आपसे मैं कई बार इस पे बात भी किया, वो लगभग 470% दे रहा है। अरे वाह क्या बात है। उसके बाद टाटा की वो है नेल्को, ऐसे कुछ है, नेल्कोल को है, नेल्को, नेलको नेलको NELCO वो दो इंटर सौ बैंक, बारह की खरीद है, 980 से रिटर्न है वो। क्या बात है क्या बात है। दो ये तो सब वही लेकिन क्वांटिटी के मामले में 20, 22, 50, इससे ज्यादा नहीं ले पाया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको एक होप दिया, एक विश्वास दिया इसने, ठीक जी, है ना। सबसे बड़ी चीज क्या होता है ना कि एक स्वामी विवेकानंद की कहानी है, तो स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि उस आदमी का सब कुछ खो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, उससे बुरा क्या हो सकता है। कहा कि उस उम्मीद का खोना कि उन चीजों को पुनः प्राप्त कर सकता है। जी, तो आपको पाने की एक उम्मीद पैदा हुई है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हुआ है। तो जो जो 10% बना सकता है, जो 400% बना सकता है, यानी 4,000 का 16,000 बना सकता है, वो 4 लाख का 16 लाख भी बना सकता है। डन, बहुत अच्छी चीज, यही चीज है। और अब आपने हमसे बात की, शुरुआत किया था कि प्रोफेसर तौर पर कैसे शुरू करेंगे। मैं आपको एक रफ आइडिया में बता रहा हूँ, हाँ यदि एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ आपको। इस कैलकुलेशन के यदि आप देखेंगे, यदि आप हर महीने, साल में मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपए की आपने SIP शुरुआत करवाई, यानी हर साल, हर महीने 10,000 की शुरुआत में 1 लाख रुपए की आपने SIP शुरुआत की, देखिए उसकी पावर कितनी होती है आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोगों में क्या होता है ना, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना कि हम वहीं तक जाते हैं जहां तक विश्वास करते जी, हैं। हम दूर तक देख ही नहीं पाते हैं किसी चीज को, इक्विटी को हम दूर तक देख ही नहीं पाते। हमसे कई लोगों से बातचीत होती, कहते हैं यार रिलायंस बहुत बढ़ गया। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? कोई नहीं पता। मैंने कहा सबसे छोटा नंबर? कहते हैं 0। तो रिलायंस कितना बढ़ सकता है? कोई नहीं, ऊपर की कोई सीमा नहीं होती बढ़ने। हम कल्पना ही नहीं करते कि कहां तक जा सकता है। म्यूचुअल फंड के पावर को हम कभी देखते ही नहीं है कि कितना जा सकता है। हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान चलते हैं हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हम SIP हम करा देते हैं, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का। और ये मान चलते हैं कि हर महीने 5,000 की नई SIP हम डालते रहते हैं, या नहीं सॉरी सॉरी, हम ये मानते हैं कि 1 लाख की आपने SIP कर रखी है, ठीक ना, दस दस लोगों को मिला करके, 10,000 मिला करके मान चलते हैं कि 1 साल में आपने 1 लाख की SIP करवा दिया, ठीक ना। अब ये मान के चलते हैं कि साल में 10% कुछ वृद्धि हो जाती है, यानी अगले साल 10,000 का नया SIP और डालते हैं, साल भर में 10,000, जी, यानी हर साल 10-10% बढ़ा रहे हैं, जबकि आपका बढ़ेगा बहुत तेजी से, सिर्फ 10% का ही मान के। अच्छा, 10% ही भी यदि अब बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेड 15 साल, 15 साल बाद वैल्यू क्या होगी मालूम है आपको? 15 साल बाद आपके जो फंड की वैल्यू होगी, मिनिमम जो होगी 6 करोड़ 25 लाख।
और 6 करोड़ 25 लाख पे जानते हैं आपका रेवेन्यू कितना बनेगा, आपको पैसा कितना मिलेगा? नॉर्मल तौर पे जितना कार्पस इकट्ठा होता है उसका 0.7% आप देंगे, अच्छा एक रफ आइडिया उनका। 0.7% यदि आप लेते हैं, 6 लाख का 0.7% लगभग 4.5 लाख रुपया होता है। जी, अब इस 4.5 लाख रुपये को आप 12 भाग में बांट दीजिए, लगभग 35 से 36 हजार रुपया आपका महीना पेंशन बनेगा आज से 15 सालों बाद। अच्छा जी, ये तब है जबकि मात्र आपने 10 हजार की एसआईपी कराई। बिल्कुल अब हम चलता है कि यदि ग्रोथ रेट ज्यादा ले लेते हैं, जो मेरा अनुभव है कि हर साल आपको यदि आप इस मुहिम में लग जाते हैं ना, तो ऐसा कोई मंथ नहीं होगा जो आपको एसआईपी नहीं मिलेगी, ऐसा कोई मंथ नहीं होगा। हर महीना आपको 20 हजार 25 हजार 20 हजार 25 हजार की एसआईपी मिलती है, अच्छा 20 हजार 25 हजार अच्छा नहीं मिलेगी, 10 हजार की तो एसआईपी मिलेगी। यानी साल में आप 1 लाख की एसआईपी आप डाल सकते हैं आसानी से, तब जबकि आप घर बैठे रहेंगे तब। अच्छा अब जब बैग लेके घूमने जाएंगे तो सोचिए, बैग लेके घूमना नहीं है आपको, घर ही बैठे सिर्फ व्हाट्सएप पर फेसबुक पर आप पोस्ट डालते रहिए, लोग आपके संपर्क में आते हैं। अच्छा अब मान जाते हैं 20% ग्रोथ ले लेते हैं या 30% ग्रोथ ले लेते हैं, यानी इस साल 1 लाख, तो अगले साल 30 हजार, उसके अगले साल फिर नया 30 हजार, उसके अगले साल फिर नया। क्या 30 हजार नहीं मिलेगा आपको एक नहीं एक नहीं महीने में? क्यों नहीं हो, और 30% भी यदि ग्रोथ करते हैं तो 15 साल बाद कितना होगा मालूम है आपको? अच्छा 1 मिनट, पंद्रह सालों बाद वैल्यू होगी 37 करोड़। अनएक्सपेक्टेड, थर्टी सेवन करोड़ का 0.5% जोड़ लीजिए, लगभग 3 लाख रुपया महीना आपकी अर्निंग हो रही होगी। आपको बैठे बिठाए एक इतना अच्छा पेंशन मिल रहा होगा जिसके बारे में आप सोच। म्यूचुअल फंड में किसी से बात करें तो कहते हैं यार क्या यार, 1 हजार रुपये में मुश्किल से 5 रुपये मिलता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसमें बूंद का आकार मायने नहीं रखता है, बूंद का निरंतर गिरते रहता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के पावर को कोई समझ ही नहीं पाया है, कुछ समझ ही नहीं पाता है। जो दूर तक किसी चीज को तस्वीर को लेके जाता है, से मेरे जैसा भी वही देखता है। आज से मैं 10 साल 15 साल पहले मैंने स्टॉक को भविष्य के प्राइस देखने शुरू कर दिया, अच्छा लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया था। तो पहला काम तो आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प होगा। और एक और चीज, यदि आप काम शुरुआत करना ही चाहते हैं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड का काम शुरू मत करिए, अच्छा आप अच्छा किसी ब्रोकर की सब ब्रोकरशिप लीजिए, जैसे एनजे। एनजे एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्रूडेंट, प्रूडेंट भी बहुत बड़ी कंपनी है। आपकी कंपनी है एंजल ब्रोकिंग, उसका लीजिए। IIFL है, उसका लीजिए। तमाम कंपनियां हैं जिसका आप ब्रोकरशिप ले सकते हैं। और वो जो ब्रोकरशिप होती है, वो जो कंपनियां होती हैं, वो आपको 3-4 सुविधाएं देती हैं। एक तो स्टॉक स्टॉक का ट्रेडिंग का अकाउंट खुलवा सकते हैं आप, वहां पर म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप वहां पर इंश्योरेंस का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी आप उनको क्या करिए कि उनको एक रेफरल देना है, आप उनको रेफरल दीजिए कि भाई फला व्यक्ति है, उनको एक टर्म प्लान लेना है। इंडोमेंट प्लान मत सजेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट प्लान एलआईसी मत सजेस्ट करिए, टर्म प्लान सजेस्ट करिए। अब अच्छा जब जब आप लिखना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तो लोग अपने आप लोग आना शुरू करेंगे। तो जब आप एंडोमेंट प्लान, जब आप उनको टर्म प्लान देंगे, तो वो बताएंगे कि मिस्टर ए है, इनको टर्म प्लान चाहिए। वो क्या करेंगे कि उनसे बात करेंगे, सब फाइनल कर देंगे, फाइनल करके आपकी कोड में लगा देंगे, उसका कमीशन आपको आ जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस वो आपको मिलेगा। फिर इसके अतिरिक्त गाड़ियों का जो इंश्योरेंस होता है वो भी उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। जी, फिर कोई होम लोन लेना चाहेगा वो भी होगा। यानी एक तरह से आप जो होंगे ए टू जेड फाइनेंशियल सॉल्यूशन के सेंटर।
मतलब सिंगल पैक में सारे ही जितने पोर्टफोलियो सब आ जाएंगे। सब आपके पास आ जाएंगे, आपके सब ब्रोकरशिप हो गए। अब सब ब्रोकरशिप हो गया आपके पास, जो भी आपको मिलता है, जो भी जब आप फेसबुक की स्टेटस डालेंगे ना, व्हाट्सएप लिखेंगे, तो लोग आपसे क्वेरी करेंगे भाई हमको कर। आपको ऐसी छवि बनानी पड़ेगी, जैसे आज मैंने छवि बनाई है कि लोग हमसे पूछते हैं, फ्रेंड से लोग सराह लेते हैं, अच्छा, तो वो छवि एक दिन में नहीं बनेगी, नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे तो एक दिन जरूर बन जाएगी। जब आप ऐसी छवि बना लेंगे, लोग आपसे जब क्वेरी करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उनको रेफरल देंगे कि आप कहेंगे भाई एक लड़का है, मैं उसको नंबर दे दूंगा, आपसे बात करेगा, देख लीजिएगा, अच्छा, तो वो बात करके आपके कोड लगा देगा, आपको बैठे बिठाए आपको कुछ कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो आप किसी कंपनी का सब ब्रोकरशिप लीजिए, चाहे एंजर कर लीजिए, एनजे कर लीजिए, प्रूडेंट कर लीजिए, एसएमसी कर लीजिए, वेंचुरा कर लीजिए, कई कंपनियां जी। जीरोधा का मत लीजिए, जीरोधा नहीं चलेगा, ठीक मामा है। एनजे ज्यादा अच्छा कर रही है क्या इस फील्ड में? बहुत तेजी से बहुत अच्छा कर रही है, बहुत पुरानी कंपनी है, अपने आप में उसके पास इतना एईएम है कि अलग से म्यूचुअल फंड कंपनी, उसके पास कई म्यूचुअल फंड कंपनियों से ज्यादा एईएम है, और खुद अच्छा उसने अपना म्यूचुअल फंड भी स्थापित कर दिया है, एनजे ने, गुजरात अच्छा बेस्ट अच्छा कंपनी है। इन लोगों का काम ही है म्यूचुअल फंड पे काम करना, म्यूचुअल फंड बेस्ड काम करना। उसके लिए आपको एआरएन लेना पड़ेगा, तो पूजा का एआरएन आप करवा दीजिए, कि एग्जाम होता है सामान्य सा एग्जाम करवा दीजिए, बहुत अच्छा अच्छा आसान एग्जाम होता है, 1500-1600 रुपये फीस लगती है। आप एग्जाम होगा, आधा एक घंटे का एग्जाम होता है, नॉर्मल प्रश्न होता है, एक एक वीडियो आता है यूट्यूब पर, मैं चैनल बता दूंगा, उस चैनल को देख लीजिएगा, पूजा को दिखा दीजिएगा, सब जान जाएगी, टिक मार देगी, पास हो जाएगा, आपके पास एक बिजनेस खड़ा हो जाएगा, ठीक बहुत बेहतरीन है, बहुत मजा आएगा। सबसे ऊंची चीज क्या होता है ना, कि सबसे पहले तो हम खुद अपना वेल्थ मैनेज करेंगे, नंबर एक चीज, दूसरी चीज हमको नॉलेज होगी, तीसरी चीज दूसरों की सर्विस होगी, चौथी चीज किसी का फंड बढ़ेगा, किसी के उद्देश्य की पूर्ति होगी, तो आपको हमेशा याद करेगा। तो वो एक ऐसा काम है जो आपका हमेशा एहसानमंद भी रहेगा कि आपने सही सजेस्ट किया, और बदले में आपको फायदा भी हाँ, होगा। बाकी मैं तो बाकी मतलब रेफरल तो मिल ही रहा है सर। हाँ, तो आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम सीख, सिर्फ इक्विटी का मत करिए। वो ब्लॉग जो आपको भेजा हूँ एक बार पढ़िएगा, मैं बहुत पढ़ूंगा मतलब पढ़ूंगा उसको, देखूंगा पढ़ूंगा। जितना मेरे को नॉलेज आज तक मिल पाया है, जहां से भी स्टार्ट तो कर दिया हूँ 3 महीने से, लगभग उसमें 19 आर्टिकल लिख चुका हूँ। अरे गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मेरा जो कुछ, मामा मोटिव था इसको लेके, हाँ स्टार्ट तो मैं इसी हिसाब से किया था कि मतलब पूजा भी लिखती है, हाँ क्या जहां वो फंसती है वहां पे मैं उनकी हेल्प करता हूँ, बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां मतलब कुछ ऐसी चीजें जैसे फंस गई हूँ तो उसको लाइन आगे बढ़ाना वो सब मैं करवा देता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा, ये छोटे से ही वीडियो में बहुत कुछ आपको। नहीं, लेकिन आप ऐसे ही सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, क्योंकि हाँ आपको देख के वैसे ही मोटिवेशन आ जाता है कि आप मतलब मेरे को लगता है कि 45 या 50 के आसपास होंगे, पैंतालीस पैंतालीस जो उसके राजू बाद और भी आप 22 से 25 साल वाले लड़कों वाला काम और वही फुर्ती सब कुछ दे रहे हैं, आपको देख के एक मोटिवेशन तो मिल जाता है। चलिए, आपने बहुत मेरी तारीफ कर नहीं, तो देखिए मामा तारीफ के लायक है, आज यहाँ लिया। तक पहुंचाए हैं तो तारीफ तो बनती है ना। अगर मान लीजिए इत्तेफाक से हम लोग नहीं मिले होते तो शायद हो सकता है मैं भी आज वो ट्रेडिशन जो चल रहा था RDFD यही देखिए, उलझा रहता। होता क्या है कि किसी को जाना, जहां जाना होता है ना, वही जाता है, जी जी बस जी उसके अंदर वो पल रहा होता है, एक आग मिलनी होती है, परिस्थिति काल, देश काल परिस्थिति होती है, जब ईश्वर का प्लान होता है, उसी प्लानिंग के तहत सब काम होते हैं, ठीक है। फिर अब किसी और दिन बातचीत किया जाएगा, आज मुझे लग रहा है कि जो चीज आपको जानकारी चाहिए थी, मैंने वो पूरी हाँ हाँ जानकारी आपको बिल्कुल पहुंचा दिया है, बिल्कुल और उसको आप मूर्त रूप में लेकर के आएंगे और आगे उस पर एक्शन लेंगे, ठीक ठीक है। ओके, शुभ रात्रि। ठीक